गुड मॉर्निंग 11th क्लास बेटा, आप लोगों का तापीय प्रसार वाला चैप्टर चल रहा है। चैप्टर का जो पूरा नाम है वो है तापीय प्रसार, विशिष्ट ऊष्मा तथा गुप्त ऊष्मा। अब इस चैप्टर में मैं आपको तापीय प्रसार के बारे में बता चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको ठोसों का तापीय प्रसार बताया, द्रवों का तापीय प्रसार बताया और गैसों का भी तापीय प्रसार बताया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है विशिष्ट ऊष्मा। अब आपको ये पता है कि जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं या किसी भी वस्तु को गर्म करते हैं तो वो क्या करती है, वो ऊष्मा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब ऊष्मा को ग्रहण करती है। और जब हम किसी वस्तु को या पदार्थ को ठंडा करते हैं तो वो ऊष्मा का क्या करती है, ऊष्मा को उत्सर्जित करती है, मतलब ऊष्मा को त्याग देती है। जब गर्म करते हैं तो ऊष्मा को ग्रहण करती है और जब ठंडा करते हैं तो ऊष्मा को त्याग देती है। तो कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए और ये बात निकल के सामने आई कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ गर्म या ठंडा होते समय जो ऊष्मा ग्रहण करते हैं या फिर जो ऊष्मा को बाहर निकालते हैं, वो ऊष्मा किस किस बात पर निर्भर करती है। तो ऊष्मा जो है निर्भर करती है एक तो पदार्थ के द्रव्यमान पर, द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब जितना ज्यादा आपके पास द्रव्यमान होगा किसी पदार्थ का, उसको गर्म करने के लिए या उसको ठंडा करने के लिए आपको उतनी ही ऊष्मा देनी पड़ेगी वो, या फिर उतनी ही ऊष्मा वो बाहर निकालेगा। ठीक है, मतलब अगर आपके पास 1 किलोग्राम की एक लोहे की बॉल है, उसको आपको गर्म करना है, आप उसे ऊष्मा दोगे, और एक जो लोहे की ठोस गेंद है वो 5 किलोग्राम की है, उसको गर्म करना है तो डेफिनेटली आपको उसको ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी जो 5 किलोग्राम वाली वस्तु है। तो इसका मतलब जो ऊष्मा है वो किस पर डिपेंड करती है, द्रव्यमान पर। दूसरी चीज, ऊष्मा डिपेंड करती है पदार्थ की प्रकृति पर। तो प्रकृति के लिए हम ये नहीं बोल सकते कि अनुक्रमानुपाती या फिर व्युत्क्रमानुपाती, ये इस पर डिपेंड करती है। और ऊष्मा डिपेंड करती है ताप में परिवर्तन के, ताप में परिवर्तन। सपोज किसी वस्तु का ताप पहले 10 डिग्री है, बाद में आपको उसे 50 डिग्री करना है, एक आप तब ऊष्मा देंगे। किसी पदार्थ का ताप 10 डिग्री है और बाद में आपने उसका ताप बढ़ा के 100 डिग्री करना है, एक ऊष्मा आप तब देंगे। तो आपको ज्यादा ऊष्मा कब देनी पड़ेगी, जब आप उसका ताप 10 से 100 डिग्री करेंगे। इट मीन्स ऊष्मा क्यों जो है अनुक्रमानुपाती, ऊष्मा को हम क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऊष्मा जो है अनुक्रमानुपाती होती है द्रव्यमान के, और ऊष्मा अनुक्रमानुपाती होती है डेल्टा टी के, ताप में हम कितना परिवर्तन कर रहे हैं। अब इनको जब कंबाइन करेंगे, क्यू अनुक्रमानुपाती एम इंटू डेल्टा टी, और क्यू इज इक्वल टू जो कांस्टेंट यहाँ पर यूज होता है, यहाँ हम यूज करते हैं स्मॉल सी, एम इंटू डेल्टा टी। ये सी एक कांस्टेंट है और इसको बोला जाता है पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। कहीं कहीं इसको सी से यूज किया जाता है, स्मॉल सी इसके लिए यूज करा जाता है, और कहीं कहीं इसके लिए स्मॉल एस भी यूज किया जाता है, क्योंकि विशिष्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हीट है, तो कहीं कहीं इसको एस से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। अब विशिष्ट ऊष्मा की जो परिभाषा है, सी इज इक्वल टू किसके आया, क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। If m is equal to 1 कर दें, एकांक कर दें, और डेल्टा t को भी एकांक कर दें, तो जो विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा c आया वो किसके बराबर आया, q के बराबर। इसका मतलब किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है, उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है।
क्योंकि हमने द्रव्यमान एकांक कर दिया, तो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है, और जो इसका मात्रक होता है वो होता है जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस या फिर जूल पर किलोग्राम केल्विन भी बोल सकते हैं। अगर हम ताप केल्विन में ले रहे हैं तो केल्विन आएगा, और केल्विन के साथ आपने देखा मैंने डिग्री नहीं लगाया क्योंकि केल्विन में डिग्री नहीं लगती। और जो इसकी विमा होती है वो होती है L2T-2K-1। अब एक इसमें कई बार क्वेश्चंस आते हैं जो आपको इसकी इम्पोर्टेंट जो पता होना चाहिए मेन पॉइंट वो ये है कि विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो जल की सबसे ज्यादा होती है। यही रीजन है कि जब हमें कुछ पेन होता है जैसे पेट में दर्द वगैरह होता है तो उसके लिए हम गर्म पानी की बॉटल यूज करते हैं। जो बॉटल होती है सिकाई के लिए उसमें हम गर्म पानी डालते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है। विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होने का मतलब है कि जल गर्म भी देर से होता है, और क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा उसकी ज्यादा है तो वो ठंडा भी देर से ही होगा। यही रीजन है कि जो गाड़ियां होती हैं उसमें जो रेडिएटर होते हैं उसमें कूलेंट के लिए भी हम पानी भर देते हैं, जल भर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम अणुक या फिर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा जो है इसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे विशिष्ट ऊष्मा जो है वो है सी। और मैंने क्या कहा कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणु का ताप, तो 1 ग्राम या फिर 1 मोल अणु का ताप, तो इसके लिए अगर हम विशिष्ट ऊष्मा को मोल से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मोलर विशिष्ट ऊष्मा। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है जूल मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्मा धारिता। ऊष्मा धारिता होती है किसी वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की ऊष्मा धारिता कहते हैं। एक बार ध्यान दीजिए, यहां मैंने बोला विशिष्ट ऊष्मा में किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, और ऊष्मा धारिता में क्या बोला? किसी पदार्थ के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। तो वहां पर एकांक द्रव्यमान है विशिष्ट ऊष्मा में, और ऊष्मा धारिता में क्या है? ऊष्मा धारिता में है संपूर्ण द्रव्यमान। तो ऊष्मा धारिता कैसे निकल जाती है? ऊष्मा धारिता के लिए अगर हम विशिष्ट ऊष्मा को द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ऊष्मा धारिता, क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा है एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, और ऊष्मा धारिता क्या है? संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। तो ऊष्मा धारिता बराबर द्रव्यमान गुना विशिष्ट ऊष्मा या फिर m into c, और जो इसका मात्रक होता है वो होता है जूल प्रति डिग्री जूल प्रति डिग्री सी या फिर जूल प्रति केल्विन। अब नेक्स्ट है ऊष्मा मापी। ऊष्मा मापी का कोई एग्जाम में कुछ क्वेश्चन नहीं आता, इसका एक प्रैक्टिकल है आपके कोर्स में। इस साल तो अभी तक तो लैब खुली नहीं है, तो ऊष्मा मापी का जो प्रैक्टिकल है वो है न्यूटन के शीतलन नियम का सत्यापन करना। उसमें एक एपरेटस यूज किया जाता है ऊष्मा मापी,
तो ऊष्मा मापी क्या किस लिए यूज किया जाता है? बेसिकली ऊष्मा मापन के लिए जो उपकरण है उसको बोला जाता है ऊष्मा मापी, या फिर इसको कैलोरी मापी भी कहा जाता है। तो इसमें तांबे का एक बर्तन होता है और उस बर्तन को किसी कुचालक पदार्थ से, कुचालक पदार्थ के अंदर रखा जाता है, जैसे लकड़ी और उसके अंदर कॉटन वगैरह भर के, ताकि जो उसकी ऊष्मा है, जो तांबे के बर्तन में पानी डाला जाएगा या कोई भी लिक्विड डाला जाएगा, वो ऊष्मा बाहर ना जा पाए। और उसके बीच में एक थर्मामीटर लगा रहता है, ताप मापी लगी रहती है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक विलोडक लगा रहता है। विलोडक जो होता है वो एक मुड़ा हुआ तार होता है जिससे बीच बीच में पानी को हिला दिया जाता है ताकि पानी का टेम्परेचर जो है वो एक सार रहे। तो इसमें ऐसा कुछ बताने वाला है नहीं ऊष्मा मापी, आप लोग एक बार डायग्राम देख लेना और छोटी सी एक थ्योरी है वो पढ़ लेना। इसके बाद है ऊष्मा मापी का सिद्धांत या फिर कैलोरी मापमिति का सिद्धांत। तो कैलोरी मिति का सिद्धांत ये कहता है कि जब हम अलग अलग टेम्परेचर वाली कोई दो वस्तुएं एक साथ लेकर आते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाया जाता है या ठंडे पानी में गर्म पानी मिलाया जाता है, तो जो ऊष्मा का प्रभाव होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। और कब तक होता है ये प्रोसेस, कब तक चलता है? जब तक दोनों का टेम्परेचर जो है वो एक समान ना हो जाए। तो ऊष्मा मिति या फिर कैलोरी मापी का जो सिद्धांत है वो क्या होता है कि एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर दूसरी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। ये है कैलोरी मिति का सिद्धांत। बेटा मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि हेल्प बुक में काफी कुछ एक्स्ट्रा दिया जाता है, तो मैं आपको जितना वीडियोस में एक्सप्लेन करती हूँ, जो जो टॉपिक एक्सप्लेन करती हूँ, उतना ही आपको अपने नोट्स में लिखना होता है, क्योंकि बाद में कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैम हमें अपने नोट्स कैसे बनाने हैं। तो जितना आपके कोर्स में है उतना मैं आपको वीडियोस में एक्सप्लेन कर रही हूँ और उतना ही आप अपने नोट्स में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अवस्था परिवर्तन। अब ये सब जो टॉपिक हैं, जैसे ये अवस्था परिवर्तन का टॉपिक, ये आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। कुछ ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता ही है। अवस्था परिवर्तन आपको पता है कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। और हम किसी भी अवस्था, किसी भी पदार्थ को एक ऊष्मा देकर या उससे ऊष्मा लेकर हम उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। अब कुछ अवस्था परिवर्तन जो है आपकी बुक में दिए हुए हैं, जैसे गलन। अब गलन आपको समझ आ रहा है, गलना, जैसे कि बर्फ गलती है, तो जिस टेम्परेचर पर बर्फ गल के पानी में बदल जाती है उसको क्या बोला जाता है? गलना। स्थिर ताप पर पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन गलन कहलाता है। फिर है क्वथन। क्वथन मतलब बॉइलिंग। स्थिर ताप पर पदार्थ का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन क्वथन कहलाता है। द्रवण या संघनन, ये क्वथन का उल्टा आप कह सकते हैं। स्थिर ताप पर पदार्थ की गैसीय अवस्था का द्रव अवस्था में परिवर्तन द्रवण या संघनन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन, ये भी आप पढ़ चुके हैं। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि कुछ ठोस पदार्थ जो है वो सीधा द्रव में बदले बिना सीधा गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। जैसे घरों में आप देखते होंगे कि जो सर्दियों के कपड़े होते हैं उनको कीड़ों से बचाने के लिए मम्मी आपकी फिनेल की गोलियां डालती होगी उसमें, बॉक्सेस में या सूट केसेस में, और जब वो नेक्स्ट विंटर्स में खोले जाते हैं बॉक्सेस, तो वो फिनेल की गोलियां उसमें नहीं होती, क्योंकि उनमें कौन सा गुण पाया जाता है? ऊर्ध्वपातन का गुण। ऐसे ही कपूर भी ऐसा पदार्थ है जिसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है, मतलब कि पदार्थ जो है ठोस से सीधा ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। एक प्रोसेस है पुनर्हिमायन। अब ये कुछ नया है, पुनर्हिमायन शायद आपने पहले पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है कि जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाने से ठोस पिघल जाता है, और जैसे ही प्रेशर हटाते हैं
ठोस दोबारा से जम जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, पुनर्हिमायन। पुनर मतलब दोबारा, हिमायन मतलब जम गया। जैसे हम बर्फ अगर लें, बर्फ को दबाएं हाथ में लेकर, मुट्ठी में लेकर दबाएं, तो हमने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया, वो बर्फ पिघल जाती है, थोड़ी बहुत पिघल जाती है ना, और हम मुट्ठी खोल दें, प्रेशर हटा दें, तो फिर वो बर्फ दोबारा से जम जाती है, वो पीसेस दोबारा से जम जाते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है पुनर्हिमायन। अब ये जो आप डेफिनेशंस पढ़ेंगे, चाहे गलन की, क्वथन की, द्रवण की, संघनन की, किसी की भी डेफिनेशन आप पढ़ेंगे अवस्था परिवर्तन के लिए, तो एक चीज आपको कॉमन मिलेगी और वो है फर्स्ट थ्री वर्ड्स, दैट इज स्थिर ताप पर। इसका मतलब ये है कि जब अवस्था में परिवर्तन होता है तब ताप कैसा रहता है, तब ताप रहता है स्थिर। और ये 1 मार्क में कई बार क्वेश्चन आता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवस्था परिवर्तन के समय क्या चीज कांस्टेंट रहती है, और वो है ताप। जब हम किसी पदार्थ को उष्मा देते हैं, मतलब हमने उसको गर्म किया या हमने उससे उष्मा ली, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। वो जो हम उष्मा दे रहे हैं, वो उष्मा सिर्फ क्या करती है, पदार्थ का ताप बढ़ाएगी या घटाएगी, ताप में परिवर्तन करेगी। और जब अवस्था परिवर्तन होता है, उस टाइम ताप हो जाता है कांस्टेंट। ये जो टॉपिक है, ये नेक्स्ट आपकी बुक का टॉपिक भी है, और वो है गुप्त उष्मा। तो इसमें क्या है कि जब किसी पदार्थ को हम उष्मा देते हैं कंटिन्यूशन में, तो पदार्थ के ताप में धीरे धीरे परिवर्तन होता है, और कुछ देर बाद क्या होता है कि ताप बढ़ना बंद हो जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ताप कांस्टेंट हो गया, स्थिर हो गया। तो इस टाइम जो हमने पदार्थ को उष्मा दी, वो कहाँ लगेगी, वो जाएगी पदार्थ का अवस्था परिवर्तन करने में। तो वह उष्मा जो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर दे पर उसके ताप में परिवर्तन ना करे, उसे हम क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा। और ये गुप्त उष्मा क्यों जो है, ये अनुक्रमानुपाती होती है पदार्थ के द्रव्यमान के। क्यों इज इक्वल टू, यहाँ भी एक कांस्टेंट लगेगा, यहाँ जो कांस्टेंट लगता है वो होता है एल, और ये एल जो है इसको कहा जाता है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की गुप्त उष्मा। एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम, और अगर एम 1 हो गया तो एल इज इक्वल टू क्यू। तो इसकी परिभाषा यहाँ से क्या आएगी, किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए उसे दी जाने वाली या उससे ली जाने वाली जो ऊष्मा की मात्रा है, वो क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा। इसे इंग्लिश में कहते हैं लेटेंट हीट, इसलिए इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये डेफिनेशंस तो आपको 9th में आती होंगी एग्जाम में, अब एग्जाम में आपको ये डेफिनेशन नहीं आएंगी, इससे बेस्ड जो है न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो क्यू का एक फॉर्मूला आपने पीछे अभी पढ़ा, क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी, और एक क्यू का फॉर्मूला ये पढ़ा, क्यू इज इक्वल टू एम एल। तो आपको पता कैसे चलेगा कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है, अगर ताप में परिवर्तन हो रहा होगा तब आप लगाएंगे ये फॉर्मूला, और अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा होगा तब आप लगाएंगे ये फॉर्मूला। सपोज ये आपको कहा कि 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस वाले जल में बदलने के लिए उष्मा बताइए। तो ये यहाँ पर जो क्यू है वो, अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे या ये लगाएंगे, बहुत सारे प्रोसेस होंगे। पहले 0 डिग्री सेल्सियस वाला बर्फ जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में बदलेगा, वहां होगी अवस्था परिवर्तन, तो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला। फिर वो 0 डिग्री सेल्सियस वाला पानी जो है वो बदलेगा 100 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में, फिर होगा ये ताप परिवर्तन। तो दो तरह के फॉर्मूलेज यहाँ पर लगेंगे और फिर क्यू का मान निकलेगा, ठीक है।
अब ये गलन की गुप्त ऊष्मा या फिर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, दो तरह की गुप्त ऊष्मा होती है। सबसे पहले गलन की गुप्त ऊष्मा, तो किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए पदार्थ द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा की मात्रा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसी तरीके से वाष्पन की गुप्त ऊष्मा किसी द्रव के एकांक द्रव्यमान को उसके क्वथनांक पर द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित करने के लिए पदार्थ द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जैसे कहीं पर अगर ये लिखा है कि जो जल है, जल की जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है वो होती है 539 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। अब इसका मतलब क्या है? इसका ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इसका मतलब, इसका अर्थ समझाइए। तो इसका अर्थ ये है कि 1 किलोग्राम जल जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बनने के लिए 539 किलो कैलोरी ऊष्मा ले लेता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं गुप्त ऊष्मा के व्यवहारिक उपयोग, एक दो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी आप लोग खुद करेंगे। जैसे कि ओलों की वर्षा के बाद वायुमंडल का ताप कम हो जाना। जब ओले पड़ते हैं तब इतनी ठंड नहीं होती, पर जब वो ओले पिघलते हैं उस टाइम ठंड ज्यादा हो जाती है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब ओले पिघलते हैं तो पिघलने के लिए उन्हें क्या चाहिए? ऊष्मा चाहिए। और वो ऊष्मा कहाँ से लेते हैं? वो अपने आसपास के वायुमंडल से ऊष्मा ले लेते हैं। तो इसीलिए जब ओले पिघलते हैं या ओलों की वर्षा के बाद वायुमंडल का ताप कम हो जाता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि उबलते जल की तुलना में उसी टेम्परेचर की अगर भाप हो उससे ज्यादा पेन क्यों होती है? क्योंकि जो उबलता हुआ जल होता है उसकी तुलना में जो भाप होती है उसी टेम्परेचर की उसमें ज्यादा ऊष्मा होती है। दूसरी चीज, क्योंकि भाप जो है वो गैसियस फॉर्म में होती है, तो जो हमारे स्किन के पोर्स होते हैं, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं हमारे स्किन के, वो अंदर तक चली जाती है, इसलिए भाप से ज्यादा पेन होती है। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप सारे टॉपिक्स जो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं वो अपने नोट्स में करेंगे, उसके बाद हम लोग वर्कशीट करेंगे।